हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा टेरिस गार्डन में आप सबका स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं वेस्ट टाइल्स जो बचे होते हैं घर में उसी से प्लांटर्स बनाने जा रही हूँ, वही शेयर कर रही हूँ आप सबसे। ये देखिए मैं कैसे इसको बना रही हूँ। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने इसमें होल बनवा लिए हैं। अब इसको व्हाइट सीमेंट का घोल मैं बनाऊंगी। देखिए, अगर आप चाहे तो इससे भी आप इसे चिपका सकते हैं, ये टाइल्स चिपकाने वाला ही होता है गोंद। आप हाथ से ना लगाएं, इससे लगाएं, दोनों को मिलाकर आप दोनों को मिक्स करके पहले तब इसी से मिक्स करना और इसी से लगा देना है आप सब। देखिए ये होता है ये गोंद बॉन्ड। मैं व्हाइट सीमेंट से बना रही हूँ, देखिए इसी से मैं बनाऊंगी। इसे बहुत मजबूती से पकड़ लेता है, बहुत अच्छा रहता है। इससे इसका गाढ़ा पेस्ट बनाइए पहले आप सब। पानी डालकर इसका गाढ़ा पेस्ट बनाकर अच्छे से मिक्स करना है। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर ले आप सब, फिर उसके बाद गाढ़ा पेस्ट बनाकर इसको टाइल्स पर रखना है। देखिए मैंने इसका पेस्ट बना रही हूँ, मैं इसका पेस्ट अब इसको टाइल्स पे इसका पेस्ट ऐसे ऐसे रखना है। पहले इसका पेस्ट नीचे रख दे। देखिए इसका पेस्ट मैं टाइल्स पर रख रही हूँ और उसके बाद इसी पर इस टाइल्स को रखूंगी जो ऊपर इसके, ताकि खड़ा हो सके आसानी से, इसको पकड़ सके मजबूती से। देखिए इसका पेस्ट अगर गाढ़ा रहेगा तो बहुत जल्दी पकड़ लेता है, अगर पतला रहेगा तो टाइम लगेगा इसको पकड़ने में, जुटने में इसको टाइम लगेगा। देखिए इसको इस टाइल्स को इस पेस्ट पे रख देना है पूरा, देख कर कि दोनों तरफ से सही हो। अब इस पर देखिए ऐसे इस साइड से भी और उस साइड से, दोनों साइड से पेस्ट को लगा देना है ताकि ये इजीली पकड़ सके। देखिए ऐसे करके आप फिर किसी पत्थर के टुकड़े या ईंट की सहायता से सपोर्ट कर दीजिए ताकि टाइल्स गिरे ना आपका। देखिए मैं ईंट का सपोर्ट करने जा रही हूँ, ईंट से सपोर्ट करूँगी इसको। पहले इसको अच्छे से सीमेंट से आप कवर कर दीजिए पूरा ताकि छूटे ना। देखिए ईंट से सपोर्ट कर दी। अब देखिए दूसरी तरफ का मैं बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर भी पहले टाइल्स को नाप कर काट लेना फ्रेंड। इसको काटने के लिए आप कटर का यूज कर सकते हैं या फिर टाइल्स को भिगा कर रख दीजिए पानी में 2-3 घंटे के लिए, और किसी नुकीली चीज़ से आप इसे कट करके और नीचे कुछ पतला सा हल्का सा कुछ रख दीजिए ताकि प्रेस करने पर, दोनों साइड से प्रेस करिए आप और ये आसानी से टूट जाता है। मैंने ऐसे ही इसको कट करके तोड़ा है फ्रेंड्स, साइड से जो बढ़ा था टाइल्स नाप करके उसी तरह से मैंने इसको कट किया है। देखिए अब मैं इस साइड भी ये रख रही हूँ टाइल्स को, और पीछे से भी ठीक से रख कर देख लेना कि पीछे ज़्यादा निकला ना हो, दोनों साइड से देखकर। तब उसके बाद व्हाइट सीमेंट से आप इसको अच्छे से कवर कर दीजिए। और जो कोने हो उसे भी व्हाइट सीमेंट से आप सब भर दीजिए। देखिए दोनों साइड से व्हाइट सीमेंट से मैं भर रही हूँ, कोने भी इसे आसानी से भर दीजिए ताकि ये किनारे किनारे पकड़ ले।
ये देखिए फ्रेंड, ऐसे आप सब भी कर लीजिए। बहुत अच्छा मजबूत पॉट आपका बनकर रेडी हो जाएगा। इससे फ्रेंड इजीली घर पर आप DIY करके प्लांटर्स बना सकते हैं इससे अपने घर पर ही, और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। कोई भी प्लांट्स इसमें आप लगा दीजिए। ये देखिए पूरा कवर कर दीजिए इसको, ताकि ये निकलने ना पाए, दोनों साइड से जुट जाए ये दोनों टाइल्स। यहाँ भी ईंट की सहायता से मैं इसे सपोर्ट दे रही हूँ, देखिए, ताकि टाइल्स मेरा गिरे ना। ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है फ्रेंड, जल्दी से पकड़ लेता है वाइट सीमेंट से। अब देखिए मेरा पूरा पॉट बनकर रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप सब। इधर का पेस्ट थोड़ा गाढ़ा था इसलिए जल्दी से पकड़ लिया है। ये देखिए पूरा प्लांटर्स मेरा बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड, देखिए पूरा चारों तरफ से मैंने इसको वाइट सीमेंट से जोड़ कर रख दिया है। इसमें 5 होल बनाए हो, अगर होल नहीं रहेगा फ्रेंड्स तो आपको इसमें फाउंटेन बना सकते हैं, या वाटर कैबेज लगा सकते हैं, या वाटर लिली, या आप इसमें कछुआ भी पाल सकते हैं, कोई भी जैसे लोटस हो, कुछ भी आप इसमें बनाकर डाल सकते हैं फ्रेंड। अगर छेद बना देंगे, होल इसमें बना देंगे, तो आपको प्लांट्स, आपका प्लांटर्स बन जाएगा। प्लांट्स लगाने के लिए मिट्टी आप इसमें डालकर प्लांट्स लगा सकते हैं, कोई भी प्लांट्स आप लगा सकते हैं। इसके किनारे किनारे से जो ये वाइट सीमेंट लगा है, इसे आप साफ़ करके अच्छे से इसको साफ़ सुथरा कर दीजिए, आपका देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा ये प्लांटर्स। आप इसमें कोई भी प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे पर्सलिन हो, पोर्चुलाका हो, या कोलियस हो, कोई भी प्लांट्स आप लगा सकते हैं। या तो देखिए अब इसके नीचे मैं स्टैंड के लिए 4 दिया ली हूँ, दिए जो होती हैं इसी पर मैं वाइट सीमेंट लगा कर इसको चिपका दे रही हूँ। ये भी बहुत आसानी से चिपक जाता है। थोड़ा वाइट सीमेंट इस किनारे किनारे में दिए पर लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा मजबूत हो जाए ये। देखिए आप इसे अपने घर पर इजीली बना सकते हैं वेस्ट मटेरियल से। आप देख सकते हैं मैंने वेस्ट से, दिए से, और वेस्ट टाइल से बनाई है। इसे आप ऐसे रख दीजिए और थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, ये सेट हो जाएगा, अपने आप ही पकड़ लेगा। इसको देखिए मैंने गूंद से चिपकाया है, कितनी आसानी से चिपक गया है, देखिए छूट नहीं रहा है। यहाँ भी आप वाइट सीमेंट चाहे तो लगा सकते हैं, देखिए चारों दिए के किनारे किनारे आप वाइट सीमेंट लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं वाइट सीमेंट, बाहर भी, ताकि मजबूत हो जाए आपका दिया। स्टैंड बहुत अच्छा बन जाएगा आपका, दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। मैंने वाइट सीमेंट से एक दिया बनाया है, और ये 3 दिए देखिए इसी गूंद से मैंने चिपकाया है इस टाइल्स में, देखिए कितनी अच्छे से पकड़ लिया है इन दियों को, हिल भी नहीं रहा है। और इसको मैंने वाइट सीमेंट से पकड़ाया है, अभी देखिए आप, देखिए वेस्ट मटेरियल से मैंने कितनी आसानी से प्लांटर्स बना लिए हैं। चारों दिए देखिए मेरे चिपक गए हैं, कितने अच्छे से स्टैंड की तरह बन गए हैं। आप भी अपने घर में ऐसे बचे हुए टाइल्स से बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये प्लांटर्स आपका। देखिए आप इसमें अगर होल नहीं बनाएंगे तो कोई भी इसमें प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे पानी जो बाहर ना निकल सके, वाटर कैबेज हो, वाटर लिली हो, या फाउंटेन बना सकते हैं, या तो लोटस में लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, या मछली भी इसमें डालकर पा सकते हैं, कछुआ भी, जो भी आप सबके पास हो आप उसे कर सकते हैं। अगर होल बनाएंगे तो आपका ये प्लांटर्स
बनेगा प्लांट्स लगाने के लिए बहुत अच्छा। ये देखिए कितना अच्छे से तैयार हो गया है बनकर, वेस्ट से इजीली घर पर आप बना सकते हैं इसे। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। ओके बाय फ्रेंड।